दिन भर की चुनिंदा खबरों के लिए हमारे चैनल सिग्मा न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। असेंबली इलेक्शन 2022, यूपी में दूसरे दौर के चुनाव में बीजेपी के लिए कड़ी चुनौती, गोवा उत्तराखंड में भी मतदान। गोवा में वोटिंग, मनोहर पारिकर के बेटे उत्पल को सीएम पद भी ऑफर हुआ तो वह ठुकरा देंगे, बहन ने कहा, बीजेपी को उनके बलिदान की कदर नहीं। मुरादाबाद, कर्ज में डूबे चौकीदार ने फांसी लगाकर दी जान, देरा चौकीदार ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, चौकीदार का शव रस्सी के सहारे छत से लटकता मिला, मझोला थाना क्षेत्र के मंगूपुरा गांव की घटना। सहारनपुर, पीठासीन अधिकारी राशिद अली खान के हृदय गति रुकने से मौत, सड़क दुदली के एक स्कूल में थे टीचर। नकुड़ विधानसभा के सरसावा के बूथ नंबर 227 में लगी थी ड्यूटी, कैलाशपुर निवासी थे मास्टर राशिद अली खान। वाराणसी, अरविंद राजभर ने बीजेपी पर लगाया आरोप, शिवपुर में सुबह सपा प्रत्याशी हैं अरविंद राजभर, बीजेपी गुंडई पर उतारू हो गई है अरविंद राजभर। ओपी राजभर के गिरेमान पर हाथ डालने का आरोप, अरविंद राजभर ने सरकार से सुरक्षा की गुहार लगाई। मुंबई, बैंकिंग घोटाले से मार्केट में हड़कंप, खुलते ही सेंसेक्स में 1400 अंकों की गिरावट से हाहाकार, शेयर बाजार खुलने के साथ ही धड़ाम होने से निवेशकों में भारी निराशा, सेंसेक्स 57,000 के नीचे। कच्चा तेल 52 हफ्तों के शीर्ष पर, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $94 प्रति बैरल पहुंचा सोना चांदी भी बड़े अंतर्राष्ट्रीय मामलों में, रूस और यूक्रेन की खबर से सारी कमोडिटी में तेजी। बुलंदशहर, प्रमोशन फर्जीवाड़े के मामले पर यूपी डीजीपी ने लिया संज्ञान, झूठा शपथ पत्र देकर इंस्पेक्टर से सीओ बना था सुधीर त्यागी। 1999 में आगरा में एसआई रहते समय लगा था आरोप, शासन ने तत्काल प्रमोशन आदेश को किया निरस्त, सुधीर त्यागी को वापस सीओ से बनाया गया इंस्पेक्टर। नई दिल्ली, भारत की चीन पर डिजिटल स्ट्राइक, 54 और ऐप को किया बैन, ये बैन भारत की सुरक्षा, संप्रभुता और अखंडता को खतरे का हवाला देते हुए लगाए गए हैं।